अनशनकर्ता के साथ पुलिस ने की दबंगई। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों के कई आत्महत्याएं की और घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। फसल बर्बादी होने का ऐसा ही मामला सामने आया। नीलेश राठौर चिमूर के किसी गांव में रहने वाले तुअर के भाव को लेकर पिछले 12 दिनों से किसान अपने खेत पर उपोषण कर रहे हैं। नीलेश राठौर के साथ बीती रात पुलिस ने अनशन पर बैठे नीलेश को थानेदार सहित कुछ पुलिस बल भी साथ आए और नीलेश को पुलिस पर अनशन पर बैठे मंडप से उठा कर ले गए। तीनों पुलिस को पीछे से कोई जवाब नहीं दिया और जैसे ही नीलेश को एम्बुलेंस के अंदर ले गए वैसे ही एक पुलिस वाला एम्बुलेंस गेट बंद किया और पुलिस वालों ने नीलेश को मारना शुरू कर दिया। अनशनकर्ता के समर्थकों ने पुलिस को जब पूछा कि क्यों मार रहे हो तो एक पुलिस वाले ने कहा कि सभी पर केस करूंगा, ज्यादा किए तो अभी देखना क्या करता हूँ इसका और तुम्हारा भी। स्वेच्छानिवृत्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी हूँ। मेरा नाम नीलेश प्रहलाद राठौड़े और ये मैं यहाँ पे एक नौकरी छोड़ के खुद की सब खेती करता हूँ और किसान के लिए जो केंद्र सरकार ने दी गई हमी भाव है जो तुअर के लिए 5,675 रुपये है उनकी मांग पूरी करने के लिए मैं अनशन पे 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे से बैठा हूँ। लेकिन मेरा अनशन दो बार पुलिस वर्ती पैसा और दबाव तंत्र का वापर करके इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है और पहली बार के बाद अगली बार में इन्होंने उनकी हद पूरी पार कर दी और अनशन पेंडोल से ज़बरदस्ती उठा के फरफटत ऐसे खींचते हुए एक कुत्ते के जैसे खींचते हुए इन्होंने एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर नहीं था, वार्ड बॉय नहीं था और इन्होंने अंदर API काड़े और एक गोपनीय शाखा के अंबादास एक गड़दे करके एक कांस्टेबल है BC पुलिस स्टेशन अंतर्गत के सभी एक दो कर्मचारी मारा। एक कर्मचारी बीच में छुड़ाने के लिए तत्पर था लेकिन उसकी भी उन्होंने चलने दी और इतनी बुरी तरह से मारा उन्होंने कि मुझे सेल्फ डिफेंस का कोई मौका नहीं दिया। और जो अंदर में कुछ वीडियो में दिख रहा है वो मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूँ। इन्होंने इतना मारा था कि पूरा जो खून है पूरा वो लहू से भरा हुआ है। यानी एक बात सत्य में ऐसा हो गई कि इस देश में लश्कर का खून और किसानों को खून की कोई कीमत नहीं है। तो जब यदि मैं एक किसान जो पूरे भारत देश के लिए इतना अनाज पकाता हूँ और इतना करता हूँ उनकी यदि आप लहू की कीमत नहीं करते हो तो ये बहुत ही खेदजनक भाव है।
मेरी सभी रिक्वेस्ट है, सभी किसानों से रिक्वेस्ट है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि ये लोकशाही प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है, तो ये बातें सब गलत है। ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो संविधान के खिलाफ है। और मैं जब तक मेरे एक लहू का सबसे लास्ट कतरे तक मैं किसान के लिए लड़ता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।